और हाय गाइस, जैसे कि अभी हम फिलहाल कश्मीर के लिए निकलने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि कश्मीर की जो हमारी ट्रिप है उसके मैं कुछ ब्लॉग्स वगैरह बना लूँ एज अ मेमोरी। क्योंकि क्या होता है ना कि अब मुझे यूट्यूब जो है व्यूज के लिए, और बोलते हैं ना मतलब समझ लो आप कि मतलब उस तरीके से नहीं करना है यूट्यूब को। बस खाली क्या है कि मेरी कुछ मेरा मन किया, मैंने ब्लॉग्स डाल दिया, उस हिसाब से कोई भी चीज़ें मैं बना के डालता था। जैसे हमारी मेमोरीज हो गई, अभी जैसे मैंने पहले ट्रिप किया था तो हम लोग को फोटोज़ में और रील्स पे उस तरह से उसको मेमोरी टाइप में हम लोग नहीं कैप्चर कर सकते जितना अच्छे से व्लॉगिंग के थ्रू अपनी मेमोरीज को कैप्चर कर सकते हैं हम लोग। और ये आप लोग भी शायद से फील कर सकते हो, बट वही मेरा थिंकिंग ये है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि जो ये जो हमारी कश्मीर की ट्रिप है कि मैं इसको भी ब्लॉग में पूरा कैप्चर कर लूँ। ये देखो गाइस, जैसे कि ये टर्टल वैक्स का सील एंड शाइन है जो मैंने आपको बताया, और ये जो है ऑलमोस्ट आपको सिरामिक वाली फीलिंग दे देगा। लेट्स सी, चेक करते हैं। कभी कभार भूले भटके आ जाना चाहिए यूट्यूब पे, डाल देना चाहिए कभी कभी। हमें ये माइक्रो फाइबर क्लोथ चाहिए रहेगा सील एंड शाइन को यूज़ करने के लिए। ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसको ऑलरेडी मैंने वैक्स करके रखा था तो इस पर कुछ ज़्यादा डस्ट है नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत क्लीन कर देते हैं बिकॉज हमें डस्ट थोड़ा भी नहीं चाहिए सील एंड शाइन यूज़ करने के लिए। बाकी मुझे ऐसा शैम्पू वॉशिंग और वो पानी की वॉशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पूरा क्लीन करके साफ़ करके पहले ही रखा था। जैसे कि गाइज मैं बता रहा हूँ कि सील एंड शाइन हमें यूज़ करना है ना, तो उसको पर पैनल पे एक से दो स्प्रे करना है, उससे ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है। मैक्सिमम 3 स्प्रे करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आप लोग ये वीडियो के हिसाब से समझ पा रहे कि नहीं पता नहीं, बट गाइज देखो, फार्मूला 1 का वैक्स जब मैंने यूज़ किया है ना, मतलब बाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लॉस आ रही है, शाइन आ रही है। और ये आप लोग पहले यूज़ कर लोगे तो अच्छी रहेगी, क्योंकि क्या है ना कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना सील एंड शाइन, और ये जो सिरामिक का होता है इसमें इतना शाइन नहीं आता है, बस खाली समझिए ना, मतलब शाइन ग्लॉस नहीं आएगा इतना ज़्यादा। तो आप लोग अगर पहले वैक्स यूज़ कर लोगे अच्छे से ना, फिर उसके ऊपर ये लास्ट टॉप कोटिंग करोगे ना, तो फिर अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ये देखो गाइस, और जैसे कि मैंने बताया है पर पैनल पे 2 से 3 स्प्रे। इसको हम लोग थोड़ा शेक कर लेंगे पहले यूज़ करने के पहले। ये हो गया गाइस 2, अभी इसके ऊपर मैंने 2 स्प्रे कर लिया है, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे पूरा सील एंड शाइन को। साइड का जो पैनल है इसके ऊपर एक स्प्रे ले लेंगे कुछ इस तरह से लग रहा है गाइज। अभी मैंने इसको कपड़े से साफ कर दिया था, ये देखो। और बाकी भी जगह आप कर सकते हो, ये सब फाइबर पार्ट है, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ये सब भी कर लेता हूँ, यहाँ का ये भी फाइबर पैनल है, यहाँ भी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हो, अलॉय व्हील वगैरह सब जगह कर सकते हो। बड़े को गाइज अपनी बाइक कुछ इस तरह से चमक रही है, वीडियो में इतना दिख रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा, बट सामने से तो बहुत ज़्यादा शाइन मार रही है। जैसे कि गाइज मैंने बताया था कि मैंने फार्मूला 1 का वैक्स ऑलरेडी करके रखा था, ऐसे मैंने अपनी पेनाली 600 पे भी करके रखा था, और फिलहाल इस पर भी सील एंड शाइन हम लोग यूज़ कर लेंगे। KTM पे भी ऑलरेडी मैंने करके रखा है गाइज, मैंने सील एंड शाइन लगा के हो गया, और बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी बाहर, इसके लिए मैंने फटाफट निपटा दिया। और हाँ, ये जो प्रोडक्ट है आपको अमेजोन पे मिल जाएगा समथिंग 782 रुपीज़ के समथिंग आसपास है, और एक सिरामिक का भी आता टर्टल वैक्स का, बट मैंने सील एंड शाइन मंगवाया क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों के कंटेंट सेम ही है, और प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है, ये बेटर है। 6 महीने ऐसे बोला गया, उसके ऊपर लिखा है 6 महीना चलेगा, बट देखते कितना भी चला उससे अपने को क्या करने का, 6 महीना क्या, 3 महीना भी चल गया बहुत हो गया। प्रोडक्ट अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो उसको। और हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं कश्मीर के ब्लॉग्स अभी चैनल पर अपलोड करूँगा, तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप देख सकते हैं आगे कंटिन्यू। बाय गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हाँ सब्सक्राइब कीजिए। और सॉरी बट मैं रेगुलर नहीं आ पाता हूँ।